बहुत ज्यादा हो जाता है और हम उसको नहीं कर पाते हैं कवर अप। दीदी रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया आपने? यस। ओके आकाश भैया प्लीज। आज विनय भैया नहीं दिख रहे दीदी? हाँ थोड़ा जरूरी काम से बाहर गए हैं, आ रहे होंगे। अच्छा अच्छा आकाश भैया को दीदी होस्ट बना, को होस्ट बना दीजिए, आपने नहीं बनाया अभी। बनाया है ना? नहीं नहीं दिख रहे। अलका जी बन गई क्या? ओ हो जबी 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 आकाश भैया को। अभी भी नहीं बने हो? हाँ अब बन गए हैं। चलिए नमस्कार सभी को प्रणाम। हम लोग डायरेक्ट क्लास में आ रही है। हाँ आ रही है। नमोकार मंत्र से डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। लेट हो गए 7 मिनट। बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सवसाणम। सभी को जय जिनेन। आकाश भाई जी का बहुत बहुत स्वागत। और हम डायरेक्ट माइक आकाश जी को दे रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 7 मिनट लेट हो चुके हैं। सभी को नमस्कार और प्रणाम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेकी लेवल 2 का फाइनल अटेंप्टमेंट, जो हमारा एक सिंबल है। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ सिंबल। भैया सॉरी टू इंटरप्ट, जो हमने 5 दिन पढ़ा थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए, क्योंकि लंबा ब्रेक हो गया 4 दिन का। बस शॉर्ट में थोड़ा सा बता के कंटिन्यू करिएगा। हमने सीखा ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का स्वरूप क्या होता है, ऐसे हमें हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है, हमारा ओरा कैसे बनता है, मेंटल ओरा कैसे बनता है, फिजिकल ओरा कैसे बनता है। चौकोरे सिंबल के बारे में हमने समझा रेकी लेवल 1 के बाद। उसके बाद हमने सेकी सिंबल के बारे में सीखा और हमने इनकी अटेनमेंट ली। हमने 24 पॉइंट हीलिंग की प्रैक्टिस करी, जो हमारे 24 पॉइंट है उनके हीलिंग की हमने प्रैक्टिस की है। और साथ के साथ हमने रेकी लेवल 2 का जो फाइनल एग्जाम है जो आज हमें देना है, तो आज सिंबल के अटेनमेंट हम सभी लोग लेने जा रहे हैं। ठीक है जी, आज के सिंबल के बाद हमारी रेकी लेवल 2 की डिग्री जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, इसके बाद हम मूव करेंगे लेवल 3 की तरफ। तो यहाँ से हम सीखेंगे लेवल 3, तो अभी हम सीख रहे हैं लेवल 2। तो लेवल 2 में जिस सिंबल के अटेनमेंट हमें आज चाहिए, उस सिंबल को मैं आप लोगों के सामने पहले स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, तो सभी लोग स्क्रीन की तरफ देखिए। सिंबल का नाम है होन शा जे शो नैन। होन शा जे शो नैन सिंबल का नाम है। और देखना है, सिर्फ बनाना नहीं है, अभी बनाने वाले पे फाइन लगेगा। ठीक है, आज क्लास बड़ी शांत लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे क्लास के सभी बच्चों को डराया गया है। डराया तो नहीं किसी ने आपको? क्लास के किसी बच्चे को डराया तो नहीं गया? भैया आप ही ने डराया है कि सबका एग्जाम होगा ऑनलाइन, तो सभी इसी वजह से डरे हैं कि 4 दिन की प्रैक्टिस छूट गई है और सडनली आप किसी से क्वेश्चन आकर बैठे। कोई बात नहीं, टेस्ट लेवल 2 कंप्लीट करने के बाद ही लिया जाएगा, तो डरिए मत, डर के आगे जीत है। ओके तो सिंबल को ध्यान से देखिए और पेपर पेन निकाल लीजिए अपना। तो सिंबल को हम पहले ऐसे बनाएंगे, प्रैक्टिस ऐसे करेंगे इसकी। सबसे पहले हम पार्ट 1 को पकड़ेंगे, दिस इज पार्ट 1। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि पार्ट 1 पे फोकस करें, सिंबल को ड्रॉ करने के लिए पार्ट 1 पे फोकस कीजिए। अभी देखिए यूट्यूब पे सबको क्लियर हो गया। पार्ट 1 बनाने के बाद हम जाएंगे पार्ट 2 के ऊपर। शा पहला था होन, दूसरा है शा।
पार्ट टू बनाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट टू के बाद हम जाएंगे पार्ट थ्री पे। शो पार्ट थ्री के बाद हम जाएंगे मूव करेंगे पार्ट फोर पे। पार्ट फोर इज दिस। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फाइनल पार्ट पे। नैन पे ठीक है जी। अब हम पूरा का पूरा सिंबल एक बार यहां पे देखेंगे। तो इसके सारे पार्ट आ गए, तो सभी प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी स्क्रीन पे पेन नहीं चलाएगा, ऐसी मेरी सबसे विनती है। सभी प्रैक्टिस करेंगे। ये सिंबल थोड़ा टफ है, हॉन शा जे शो नैन। इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी। अभी आप क्लास में पहले प्रैक्टिस कीजिए इसकी।
ओके तो हमने देखा सिंबल अभी, और अब हम करेंगे सिंबल की प्रैक्टिस। अगले 203 मिनट तक हम इस सिंबल की प्रैक्टिस करेंगे, 204-5 बार बनाएंगे, एक बार आप पेपर पे दिखा सकते हैं जिन्होंने बना लिया। बढ़िया, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है ये वाला सिंबल। वो चोकरे तो बहुत आसान सिंबल है, सहकी भी आसान सिंबल है, ये थोड़ा मेहनत वाला काम है। क्या कहते हैं, एक बैटरी से भी स्कूटी को चलाया जा सकता है। नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटी एक बैटरी से भी चल सकती है, लेकिन अगर प्लेन उड़ाना हो तो बहुत बड़ा इंजन चाहिए, पावर चाहिए, बैकअप चाहिए। तो डिस्टेंस हीलिंग करनी हो तो, मतलब ऊर्जा को ट्रैवल करवाना है डिस्टेंस हीलिंग के अंदर, तो हमें ऐसा ही सिंबल चाहिए होगा जिसके सारे कनेक्टर बिल्कुल परफेक्टली काम करते हैं और इसके हर एक कनेक्टर का एक मीनिंग है। मतलब जितने भी इसके कनेक्टर हैं उसका एक मीनिंग है। एक बार सभी बोल रहे हैं, मैं दोबारा स्क्रीन पर सिंबल को शो कर रहा हूँ, आप लोग एक बार फिर देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए 2 मिनट। वैसे मैंने आप लोगों को पीपीटी दी हुई है ऑलरेडी, और यूट्यूब पे भी मैंने गूगल ड्राइव का लिंक हर एक वीडियो में डाला हुआ है, तो आप वहां से भी पीपीटी ले सकते हैं। आज की वीडियो में भी मैं डाल दूंगा आप लोगों को, तो आपके पास ये पूरी पीपीटी ऑलरेडी है, बट दिक्कत ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है खोलने का अभी पीपीटी। जो इसको 50 बार बना लेगा ना पेपर पे और 50 बार हाथ से, उसके लिए सिंबल बनाना आसान हो जाएगा। ऐसे बनाइए पार्ट वन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, संपूर्ण आपका यहां पे आ जाएगा सिंबल बन के तैयार। छोटी मोटी पावर नहीं, बहुत सारी पावर से लेस ये सिंबल है, बहुत टाइप्स की पावर से लेस ये सिंबल है। ये सिंबल हॉन्च जोशन एंड रेकी के अंदर बहुत पावरफुल सिंबल माना जाता है। कारण, पावर सप्लाई तो आपने ब्रह्मांड से खुद को तो कनेक्ट कर लिया और सप्लाई ले भी ली, अब बारी आती है सप्लाई बांटने की, मतलब डिस्टेंस हीलिंग की। और डिस्टेंस हीलिंग का मतलब है कि आपको ऊर्जा को ट्रेवल करवाना है, और होम सजेशन एंड जो सिंबल है इसके जो पार्ट बने हुए हैं, ये पार्ट बताते हैं कि वी आर कनेक्टिंग विद एवरी पॉजिटिव एनर्जी, हम हर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं। दूसरी चीज एंड इम्पोर्टेंट, ये सिंबल कोई साधारण सिंबल नहीं है, ये सिंबल बहुत ज्यादा पावरफुल सिंबल है और हमारी
बॉडी की सारी बोन्स के ऊपर इस सिंबल की पकड़ है, जितने भी बोन्स का स्ट्रक्चर है उन बोन्स का स्ट्रक्चर के ऊपर इसकी पकड़ है। तीसरा, अगर इस सिंबल का अटैचमेंट मिलता है तो क्या माना जाता है, माना जाता है कि ताज पहना दिया आपको, मतलब आपने ताज पहन लिया ऊर्जा का, इस सिंबल को ऊर्जा का ताज कहा जाता है। ये सिंबल आपके सारे प्रकार की इमोशनल और हॉर्मोनल प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत ज्यादा परफेक्टली काम करता है, सारे प्रकार की इमोशनल और हॉर्मोनल प्रॉब्लम के ऊपर बहुत परफेक्टली काम करता है। कैंसर जैसी प्रॉब्लम के लिए इस सिंबल को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, किडनी फेलियर जैसी प्रॉब्लम के लिए सिंबल को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बोन कैंसर के लिए सिंबल को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम के ऊपर इस सिंबल को यूज किया जाता है, टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस सिंबल को यूज किया जाता है। थोड़ा धीरे बोलता हूँ ताकि आपके नोट्स बनते रहे, सॉरी। टीथ की प्रॉब्लम पे सिंबल को यूज किया जाता है, बोन्स की प्रॉब्लम पे यूज किया जाता है, आपके ट्यूमर की प्रॉब्लम के ऊपर सिंबल को यूज किया जाता है, किडनी फेलियर डायलिसिस के ऊपर इस सिंबल को यूज किया जाता है, आंखों की रोशनी चले जाना इस सिंबल को, हिमशोजन सिंबल को यूज किया जाता है, बैक बोन की प्रॉब्लम्स मेजरली जो हमारी लाइफ के अंदर आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, L4 L5 की प्रॉब्लम के अंदर हिमशोजन को यूज किया जाता है, एंड पैरों के अंदर टेढ़ापन आना, बोन्स के अंदर टेढ़ापन आना, हिमशोजन सिंबल को यूज किया जाता है। मतलब ये सिंबल इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि ना तो ये सिंबल सिर्फ अपना काम करता है बल्कि ये सिंबल ऊर्जाओं को ट्रेवल करने का काम भी करता है, आपकी ऊर्जाओं को ट्रेवल भी करते हैं। जैसे प्लेन के ऊपर आप सामान लोड करके भेज देते हैं देश से दूसरे देश, ऐसे ही चोकोरे और सहेकी जैसे सिंबल्स को आप होमशोजेशन के सिंबल के ऊपर लोड करके डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग में ये सिंबल बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। अब डिस्टेंस हीलिंग का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस हीलिंग का मतलब होता है मेरी तारे मेरे कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड में जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। कैसे, पूरे ब्रह्मांड में कौन है, सब हमारे प्यारे हैं, आसमान में है जितने तारे उतने ही हैं पृथ्वी पे हमारे प्यारे, ठीक है। तो सब हमारे प्यारे प्यारे लोग जो है पृथ्वी पे जुड़े हुए हैं, और कभी भी किसी को कोई संकट आता है तो हमारे पास फोन आता है जी हीलिंग कर दो, तो वो हीलिंग हम डिस्टेंस में करते हैं, तो डिस्टेंस में भी ऊर्जा को भेजने वो हीलिंग उस व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति के पास पहुंचे और उसके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के ऊपर काम करे, उसके लिए भी कोई ना कोई विधि है और उस विधि का कोई नियम है। तो होमशोजेशन उस नियम के अंतर्गत आता है। उस नियम में क्या है कि होमशोजेशन सिंबल जो है इसको प्लेन सिंबल बोला जाता है दूसरी लैंग्वेज में, ये प्लेन का काम करता है, ठीक है। ये सिंबल को दिखने में सीधा है लेकिन इसको ट्रेवल ऐसे करवाया जाता है सामने से, ठीक है, लाइक प्लेन, ठीक है, ये ऐसे ट्रेवल करता है, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है, पावर कितनी है, उसका कोई आइडिया नहीं लगा सकते, क्वांटम फिजिक्स के रूल इसके ऊपर पूरे के पूरे लागू होते हैं। इधर आपने हीलिंग स्टार्ट की, उधर व्यक्ति को असर आना शुरू हुआ, मतलब आपने किसी को 5 मिनट के लिए बेड पर लेटने को कहा, विद इन 5 मिनट उसने कह दिया कि यस आई रिसीव समथिंग। और ये सिंबल अकेला नहीं जाता, इसके साथ दो सहेकी भेज सकते हो आप, डाइकोमो भी भेज सकते हो, जो वेव में आगे पढ़ेंगे डाइकोमो को भी भेज सकते हो, अपने ऑन क्रेडिट सिंबल भी आप इसके साथ ट्रेवल करवा सकते हो, और आप इस सिंबल के साथ ट्रेवल चोकोरे सहेकी डाइकोमो मिक्स भी करवा सकते हो। ये सिंबल एक तरीके का कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करता है, और सिंबल के जो कनेक्टर है जिनको हम कनेक्टर बोलते हैं, जो लाइन इसके अंदर से निकली हुई है, ये कनेक्टर हमारे पार्ट के साथ कनेक्ट, बॉडी पार्ट के साथ कनेक्शन कनेक्टेड होते हैं। 836 अरब न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड माना जाता है इनको, और जहां तक भी आप सोच सकते हो वहां तक इस ऊर्जा की मतलब पहुंच है, उससे भी वी कैन से बियॉन्ड द लिमिट इस ऊर्जा की पहुंच है। ये ऊर्जा बहुत बहुत आगे के लेवल तक जाती है। अब होमशोजेशन सिंबल की जब आप बात करते हो तो हम एक 3D मैप को इमेजिन करते हैं। लाइक पहले आप चोकोरे बनाइए, पहले आप अपने हाथ से चोकोरे बनाइए, उसको अपने हाथ में इमेजिन कीजिए और सामने रखिए, ठीक है जी। फिर आप बनाइए सहेकी का सिंबल, अपने हाथ में इमेजिन कीजिए और सामने रखिए, और फिर आपकी बारी आती है होमशोजेशन की, जो आपके सामने है। इसको आप वैसे तो नहीं बना पाएंगे, अभी मैं आपको स्क्रीन पे दे देता हूँ, आप स्क्रीन पे इस सिंबल को देखिए और बनाइए, लाइक आप इस तरीके का एक इमेज बनाइए, ठीक है जी। चोकोरे सहेकी
चौकोरे अंशोजे शुनेन और चेकोरे। चौकोरे थ्री टाइम क्यों आया है? चौकोरे थ्री टाइम इसलिए आता है क्योंकि चौकोरे प्रोटेक्शन का प्रतीक माना जाता है, सह की ड्रिलिंग का प्रतीक माना जाता है, और होंशोजे शुनेन इसको प्रोटेक्ट करता है। ये वो फॉर्मूला है जो आपसे 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर भी कोई आदमी बैठा है या 1000 किलोमीटर या दूसरी दुनिया में दूसरे देश में बैठा है, आप उसको करंट का झटका दे सकते हो इस सिंबल से। ठीक है जी, ये सीक्वेंस फॉलो करना है आपको। चोकोरे सहेकी, चोकोरे होंशोजोशिनेन, चोकोरे जैसे होता है ना, स्टार हैश ट्रिपल वन हैश, स्टार हैश ट्रिपल वन स्टार वन हैश, बैलेंस पता करने के लिए वोडाफोन का, ऐसे सिस्टम है इसका। चोकोरे सहेकी, चोकोरे होंशोजोशिनेन और चोकोरे। ध्यान से समझना आप इस फॉर्मूले को, पूछूंगा मैं आप लोगों से, टेस्ट में आता ही हमारे, जैसे टेस्ट का नाम आया तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो याद करना है कि मुस्कुराइए आप कैमरे के सामने है, घबराना नहीं है टेस्ट से। ओके आगे बढ़ते हैं। चोकोरे सहेकी, चोकोरे होंशोजोशिनेन, चोकोरे काइंड ऑफ एक फॉर्मूला आपने बना लिया। जब भी आप डिस्टेंस हीलिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले आप चोकोरे बनाएंगे, उसके ऊपर उस व्यक्ति की फोटो रखेंगे। फोटो का असूल बड़ा सिंपल है, पासपोर्ट साइज फोटो नहीं चलेंगी। ठीक है, एक फॉर्म आप लोगों को डिजाइन करना है, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के माता पिता का नाम, व्यक्ति का एड्रेस, रिक्वायरमेंट किस लिए आप हीलिंग करवाना चाहते हैं, और उसके बाद आपको व्यक्ति की चाहिए फुल बॉडी पिक्चर, फुल बॉडी। ठीक है, अब ये नहीं कि मेरे को टीथ की हीलिंग करवानी है तो मैं सिर्फ सेल्फी भेज दूंगा, नहीं, फुल बॉडी पिक्चर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप चोकोरे सिंबल को ड्रॉ करेंगे अपने हाथ के ऊपर। ठीक है, कल हम ये भी आज तो मैं आपको वन टू वन सिखा रहा हूँ, कल हम 500 आदमियों को एक साथ हीलिंग कैसे करनी है वो भी सीखेंगे। चोकोरे आप हाथ पे ड्रॉ करोगे, उसके ऊपर आपने फोटो को रखा, फिर आपने चोकोरे ड्रॉ किया फोटो के ऊपर, फिर उसके ऊपर आपने सेकी को ड्रॉ किया, फिर उसके ऊपर आपने चोकोरे ड्रॉ किया, फिर उसके ऊपर आपने होंशोजोशिनेन को ड्रॉ किया, और फिर उसके ऊपर आपने चोकोरे को ड्रॉ किया। क्यों इतनी बार चोकोरे आता है, ठीक है, इसको हम मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही सिंपल है, हाथ धोने पड़ते हैं हमें बार बार ऑपरेशन थिएटर के अंदर, हाथ क्लीन होने बहुत जरूरी है। तो जब आप किसी क्लाइंट की हीलिंग कर रहे हैं तो पहले आपने चोकोरे प्रोटेक्शन के लिए डाला उस फोटो पे, फिर आपने ऊपर चोकोरे डाला, फोटो सैंडविच हो गई वहां पे, फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर सेकी डाला, फिर सेकी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने फिर चोकोरे डाला, फिर उसके ऊपर आपने होंशोजोशिनेन डाला, फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने चोकोरे डाला, फिर होंशोजोशिनेन सारा सिस्टम जो प्रोटेक्ट हो गया, तब हम उसको ट्रेवल करवाते हैं। ठीक है जी, ट्रेवल करवाते हैं। लेकिन अभी कुछ रूल हमें सीखने जरूरी हैं, कुछ रूल हमें सीखने जरूरी हैं। रूल नंबर एक पढ़ते हैं, रूल नंबर एक बड़ा क्लियर है, जिस भी व्यक्ति को हम हील कर रहे हैं उस नाम के हजारों व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है जी, कितने हो सकते हैं, जैसे देवेंद्र जैन जी फरीदाबाद से बैठे हैं हमारे साथ क्लास के अंदर, अब देवेंद्र जैन नाम के व्यक्ति की अगर हमने हीलिंग करनी है तो इस नाम के हजारों व्यक्ति होंगे इस देश के अंदर। ठीक है, तो अब आपने कहा अपने सिंबल को कि देवेंद्र जैन जी की हीलिंग कर दो, तो सिंबल के पास राइट कमांड राइट मैप नहीं है, राइट कमांड और राइट मैप नहीं है, तो हमें देवेंद्र जी का क्या चाहिए। देवेंद्र जी तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन देवेंद्र जी की माता तो एक ही है और पिता भी एक हैं, उनके नाम है, तो हमने उनकी माता पिता का नाम लिया। सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ क्यों लिखवाते हैं, इसी वजह से कि एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट हो। अब हमने इनके माता पिता का नाम लिया, माता पिता का नाम लेने से क्या कि अब हमारे सिंबल के पास राइट देवेंद्र जैन जी की आइडेंटिटी है ब्रह्मांड में। यहाँ पे दूसरी चीज, डेट ऑफ बर्थ मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, यूनिक होती है डेट ऑफ बर्थ। तीसरी चीज एड्रेस, अब इन्होंने कहा जी मैं फरीदाबाद सेक्टर 16 में जो सबसे शानदार कोठी है वहां रहता हूँ, कोठी नंबर तो पता नहीं मुझे, मतलब अपना इन्होंने एक एड्रेस बताया,
कि ये मेरा हाउस नंबर है, ये मेरा सेक्टर है या गली का नाम है, ये लैंडमार्क है और ये मेरी सिटी का नाम है, ये मेरा पिन कोड है, ये हमें लेना है क्लाइंट से हमेशा ही। ठीक है, हमारे रेके के ग्रुप में यही आता है, आप देखा करो हमारे रेके के ग्रुप के अंदर जो भी लोग जुड़े हुए हैं अपने से, ऐसे फॉर्म आता है फीलो के। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए इनकी फुल बॉडी फोटो। फोटो में लोग बड़ी आनाकानी करते हैं, फीमेल के केस में क्या होता है, अगर कोई मेल कहता है फोटो भेज दो तो फीमेल बड़ा ऑकवर्ड फील करती है समटाइम्स, अगर जानकारी नहीं है तो जी फोटो तो मैं नहीं भेज सकती, तो फीमेल का केस है तो बोलो जी ज्वाइंट फोटो भेज दो, हस्बैंड वाइफ की या किसी फैमिली मेंबर के साथ ज्वाइंट फोटो भेज दो, तो फीमेल कंफर्टेबल फील करती है। और जब मेल की बात होती है तो मेल कहता है जी अभी की फोटो भेजूं या बाद की, फोटो हमेशा करंट मांगो, इन एनी केस एक महीना पुरानी से ज्यादा फोटो पुरानी आप मत लो। ठीक है जी, इन एनी केस एक महीने से ज्यादा की पुरानी फोटो हमें नहीं लेनी। जब आपके पास एक कस्टमर की पूरी डिटेल है और उसके बाद आपके पास है रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट का मतलब आप रेकी क्यों करवाना चाहते हैं, हीलिंग क्यों करवाना चाहते हैं। अब किसी ने कहा मसल की प्रॉब्लम है, तो क्या हमें मसल की प्रॉब्लम के लिए वेंस की प्रॉब्लम मान लेते हैं, वेंस की प्रॉब्लम के लिए इतने सारे चोकरों की जरूरत पड़ेगी, वेंस की प्रॉब्लम के लिए आपको होम सजेशन एंड की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, होम सजेशन एंड तो चाहिए ही सिंबल, अगर मैटर किसका है ट्रैवलिंग का है तो ठीक है क्योंकि ट्रैवल वो करवाएगा। अगर चोकरों की बात करते हैं तो चोकरे चाहिए ही क्योंकि प्रोटेक्शन का सिंबल है। अब बात आती है आगे के सिंबल्स की जो हम आगे पढ़ेंगे, डाइकोमो सह की। अब इसमें सह की डबल डाल सकते हैं, ये चोकोरे डबल डाल सकते हैं, सहकी की जरूरत नहीं है तो सहकी को हटा सकते हैं, यस। अगर आपको लगता है सहकी सिंबल की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम मेंटल और वेन से नहीं है, तो आप सहकी को हटा भी सकते हैं, चोकोरे बढ़ा सकते हैं, या फ्यूचर में हम डाइकोमो सिंबल पढ़ेंगे तो आप डाइकोमो को भी अटैच कर सकते हैं, उसके आगे रेवन है, रेवन सिंबल को भी आप लोग अटैच कर सकते हैं। अभी बहुत सारे सिंबल है, मतलब 3-4 प्रकार के सिंबल है जो हमें ट्यून करने हैं अपने अंदर। तो क्या कहते हैं जी, तर्कश में एक तीर नहीं होना चाहिए, तर्कश में अनेकों तीर होने चाहिए। ठीक है, नाग अस्त्र होना चाहिए आपके पास, बारिश करवाने वाला अस्त्र, अग्नि करवाने वाला अस्त्र, बहुत सारे प्रकार के अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, तो हमारी तर्कश में भी सारे अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। बीमार है डिस्प्रिन से काम चल सकता है तो डिस्प्रिन, कॉम्बी फ्लैम से काम चल सकता है तो कॉम्बी फ्लैम, एंटीबायोटिक चाहिए तो एंटीबायोटिक, सारे प्रकार के इलाज हमारे पास होने चाहिए, और सर्जरी की जरूरत है तो हम सर्जरी भी करेंगे, आगे हम सर्जरी भी सीखेंगे यहाँ पे। तो सिंबल कहाँ घटाने हैं कहाँ बढ़ाने हैं, यह आप क्वेश्चन आंसर राउंड में भी मुझसे पूछ सकते हो। और इसके अलावा आप लोगों का सेल्फ डिसीजन भी यहाँ पे मैटर करता है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा सिंबल देना चाहिए। मसल्स की प्रॉब्लम है तो वेंस का सिंबल देने की जरूरत ही नहीं है, मसल्स का ही प्रॉब्लम दो और सिंबल दो। अगर बोन्स की प्रॉब्लम है तो मसल का सिंबल देने की जरूरत है नहीं है, वेंस का सिंबल देने की जरूरत है नहीं है, आप बोन्स का ही सिंबल दो उस व्यक्ति को सिर्फ। ये आपका डिसीजन होगा कि आपको अपने क्लाइंट को क्या हेल्प देनी है। मेंटल प्रॉब्लम है, दिमाग की है, जॉब पे जाना है, एग्जाम की टेंशन है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, सहकी का सिंबल ही देना है, सहकी का सिंबल ही दो, आपको डिसाइड करनी है सिंबल। अभी हम पढ़ रहे हैं, आपके पास सिंबल के सारे बेनिफिट भी हैं, डिसाइड आप करना। तो ऐसे एक बंच बनेगा सिंबल्स का, ठीक है, और सिंबल्स के दोनों साइड पे चोकोरे तो मैंडेटरी होगा ही होगा, और सेंटर में भी जहां पे भी कोई दूसरा सिंबल डालोगे उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी हमें चोकोरे रखना ही रखना है। अब क्या है कि मान लो हमें रेकी करनी है, तो एक मैं आपको बोल के बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हम दोनों हाथों को रब करेंगे डिस्टेंस हीलिंग के लिए, बहुत अच्छे से रब करेंगे जितना हम कर सकते हैं उतना ज्यादा, पूरी ताकत लगा के। रब करने के बाद इस ऊर्जा को हाथ जोड़ेंगे और इस ऊर्जा को हम अभी जैसे मैं तो चेयर पे बैठा हूं, हमें जमीन पे बैठ के करना है काम, हम जमीन पे अर्थ को समर्पित करेंगे, अर्थ को समर्पित करेंगे और कहेंगे कि हमें यह ऊर्जा देने के लिए परमात्मा आपका धन्यवाद, यह ऊर्जा जाए और परमात्मा के समस्त प्राणियों में जिसको भी इसकी सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरत है उनसे यह ऊर्जा जाके जुड़े, पॉजिटिवली जाके जुड़े। ऐसा आप 3 बार करेंगे, ठीक है, लिख लीजिए, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे काम आने वाला प्रोसेस है ये हमारा। सेकंड चीज, जिस भी व्यक्ति की
आपको एक लाइव एक्सरसाइज करवाते हैं। एक सेकंड दीजिए, आपको एक लाइव डेमो दिखाते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ओके, मैं स्क्रीन पे एक पिक्चर शेयर करने जा रहा हूँ, उसको हम तीन रूल के साथ देखेंगे। रूल नंबर एक, सबको मेरी तरफ ध्यान से देखना है। रूल नंबर एक कि हमें जब तक मैं ना बोलूं नाक की सीट से उस पिक्चर को देखना है, ऐसे ही सभी ऐसे कीजिए, नाक की सीट से उस पिक्चर को हमें लगातार देखना है, ऐसे नाक की सीट से ऊपर, मतलब नाक की सीट पे अंगूठा करोगे तो थड़ाई आएगी सामने, ऐसे ठीक है जी, उस पिक्चर को देखना है। रूल नंबर टू, जब मैंने बोला 1 2 3, क्या बोला 1 2 3, तो आपको ऐसे करनी है गर्दन ऊपर करनी है, गर्दन ऐसे, ठीक है। चलो मैं ट्राई करता हूँ, 1 2 3, गर्दन ऐसे कीजिए, बहुत बढ़िया, 1 2 3, ऐसे देखो आराम से नहीं, ताकत लगा के ऐसे 1 2 3, ठीक है। लेकिन ऊपर छत की तरफ क्या करना है देखते हुए, हमें आईज ब्लिंक करनी है ऐसे। रूल नंबर एक, देखते रहना है पिक्चर को नाक की सीध में, नजर नहीं हटानी, कम से कम पलके झपकानी है। रूल नंबर टू कि एकदम गर्दन ऊपर की तरफ करनी है, और रूल नंबर तीन आईज ब्लिंक करनी है। और आईज ब्लिंक में मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, वैसे हम सब बड़ा विरोध करते हैं, चाइनीज आइटम नहीं लेंगे, चाइनीज चीजें नहीं लेंगे, लेकिन चाइनीज स्टाइल के अंदर आईज ब्लिंक नहीं करनी है, ऐसे 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 नहीं करना, इंडियन स्टाइल में करनी है ताकत लगा के,
ऐसे, ठीक है जी, तेज तेज मतलब, और जब तक ना बोलू मैं आंखें नीचे नहीं करनी है, छत पे देखते रहना है, ठीक है जी। मंजूर है सबको, स्टार्ट करें। ओके, फिर हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, रूल नंबर एक पिक्चर्स की तरफ देखते रहेंगे, रूल नंबर टू गर्दन ऊपर, और रूल नंबर थ्री आईज ब्लिंक करके ऊपर की तरफ देखते रहना, ठीक है जी। ओके, तो हम पिक्चर शेयर करने जा रहे हैं। ओके, पिक्चर को सभी ध्यान से देखेंगे। पिक्चर में एक ब्लैक कलर का डॉट है, आप दोनों में से कोई भी डॉट देख सकते हैं, रेड में भी और ग्रीन में भी, और देखते रहिए ग्रीन कलर की पिक्चर में, ब्लैक डॉट को देखते रहिए सभी। वन स्टार्ट। वन टू थ्री मूव, ऊपर की तरफ देखेंगे और आईज ब्लिंक करेंगे। ओके स्टॉप। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें वैसी नहीं होंगी जैसे आंखों के सामने थी। इस टेक्निक को बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी, और किसी भी चीज को अपने ब्रेन के अंदर ट्रांसफर कर लेना, परमानेंट मेमोरी के अंदर ट्रांसफर कर लेना। कलर बदल जाएंगे, कलर अलग हो जाएंगे, ठीक है। कलर अलग इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन को पता असली कलर क्या है, या सिर्फ डॉट डॉट बचेंगे या पिक्चर्स मूव कर जाएगी, लेकिन ये चीज आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर आ गई। अब अगर आपने ये एक्सरसाइज 5 से 6 बार कर ली और आपने इस पिक्चर को याद करके दीवार की तरफ देख के आईज ब्लिंक करी, तो पिक्चर वापस से दीवार पे आ जाएगी। ये हमारे ब्रेन की पावर है, ये हमारे दिमाग की पावर है। अब जब हमें किसी की हीलिंग करनी है ना, तो उस व्यक्ति की फुल बॉडी फोटो क्यों मांग रहा हूँ, किसकी फुल बॉडी फोटो के ऊपर हम एक डॉट बनाए सेंटर में, उसको देखें और इस तरीके से उसको देख के ब्लिंक करें, अपनी परमानेंट मेमोरी में डालें। अब उसका हम नाम लेंगे, जैसे अजीत जैन जी, सामने अजीत जैन जी की फोटो हमने ली मान लो, तो अजीत जैन जी की फोटो को पहले हमने अपनी परमानेंट मेमोरी में डाला। परमानेंट मेमोरी में डालने के बाद हमने कहा अजीत जैन जी, जिनका नाम ये है सनो, मदर का नाम, उसके बाद हमने इनका क्या नाम है एड्रेस बोलना है जो उन्होंने हमें भेजा। एड्रेस बोलने के बाद हमने बोलना है कि इनका रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने सिंबल सिलेक्ट करने, इनकी फोटो के ऊपर हम सिंबल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम रेखीय ऊर्जा को इनकी तरफ प्रवाहित करेंगे। एक नैनो सेकंड से भी कम टाइम के अंदर अजीत जी को उसका असर आना शुरू हो जाएगा, नैनो सेकंड से भी कम के अंदर। अब आप समझ रहे हैं कितनी पावरफुल चीज है। अब अगर आप किसी की फोटो को देख के खुली आंखों से करोगे तो काम नहीं होगा। यहाँ आपने उस आदमी को अपने सबकॉन्शियस में ले लिया, एक तरफ तो आप उसको सिंबल्स की हीलिंग दे रहे हो और एक तरफ आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको हीलिंग देने में लगा है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप करके देखिए, कोई भी एक फोटो अपने सामने रखिए, फोटो के सेंटर में डॉट लगाइए, चाहे किसी गुरु की फोटो लगी है, भगवान की फोटो लगी है, आपके पास कोई भी फोटो है मोबाइल में, आप उस फोटो पे एक सेंटर डॉट पे देखते रहिए, उसके बाद आप इसको शिफ्ट करके देखिए। 1 मिनट का समय लीजिए आप लोग और ये एक्सरसाइज दोबारा करके देखिए।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर इस तरीके से आप लोग हीलिंग करते हैं तो हीलिंग हो रही है सबकॉन्शियस माइंड से और हीलिंग हो रही है ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से। इस सिंबल को मैं इतना स्लो आप लोगों के साथ क्यों समझा रहा हूँ, सिंबल को आपको इतना स्लो क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यही सिंबल आपको सबसे ज्यादा यूज करना है अपनी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा, क्योंकि आप डिस्टेंस हीलिंग ही करोगे मैक्सिमम, फेस टू फेस हीलिंग कम होंगी आपके पास। डिस्टेंस हीलिंग आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज करने वाले हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस हीलिंग अगर आप यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको इस सिंबल की बार 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 जरूरत है। और मान लो मैं कहीं इमरजेंसी में हूँ, कहीं बैठा हूँ, बजीत जैन जी की फोटो ही मेरे पास नहीं है, फोटो घर पे पड़ी है ग्रिड के अंदर, फोटो है ही नहीं, और अजीत जैन जी कह रहे हैं मेरी हीलिंग कर दो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने हाथ को ऐसे करूंगा, आईज को ब्लिंक करूंगा, अजीत जैन जी की फोटो मेरे हाथ के ऊपर आ जाएगी। दैट इज पावर ऑफ दिस गेम, क्योंकि आपने वो परमानेंट मेमोरी में डाल दी। और बच्चे क्या करते हैं, नकल कहते हैं, नकल मारने के लिए अकल चाहिए। बच्चे किताब के पेज पे डॉट लगाते हैं, पेज को ऐसे देखते हैं और अपनी परमानेंट मेमोरी में डाल लेते हैं, और उसके बाद जब वो ऐसे देखेंगे टेबल के ऊपर आईज ब्लिंक करेंगे, वो फोटो उनके सामने आ जाएगी। ये पावर है इसकी, ये कोई वो पावर नहीं है जो हमारी बॉडी से बाहर है और जिसमें कोई चमत्कार या जादू है। इट्स क्लियर साइंस कि आपके पास कितना दिमाग है, आप इस पावर को कैसे यूज कर सकते हो। सामने सामने वाली चीज है ये, मतलब इतनी अल्टीमेट चीज है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने होलोग्राम टेक्नोलॉजी, सुन रहे हो ना, होलोग्राम टेक्नोलॉजी तो समझो, ये होलोग्राम टेक्नोलॉजी हमारे ब्रेन से ही तो बाहर आई है, जिसको आप कहते हैं स्कैनर है। व्हाट इज स्कैनर? स्कैनर हमारे ब्रेन से ही निकला है, जिसको आप फोटोशॉप फोटो कॉपी बोलते हो वो भी हमारे ब्रेन का ही एक पिक्चर है, जिसको आप फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं वो भी हमारे ब्रेन का एक पिक्चर है। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो हमारे ब्रेन से ही निकलती है। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें कहीं भी बैठ के डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो, और अपने हाथ पे फोटो दिखा देना मतलब कोई छोटी बात थोड़ी है, अपने हाथ पे फोटो देख लेना किसी आदमी कोई छोटी बात थोड़ी है। आप प्रैक्टिस करना, आज कल सुबह तो आप मजे कर रहे होंगे, कल सुबह तो कहेंगे ओहो जादू हो गया ये तो हमारी जिंदगी के अंदर, मतलब कल सुबह तो आप जादू बोलोगे, आपके लिए तो जादू होगा। क्यों? किसी भी फोटो को पहले इस मेमोरी में डाला, फिर उसका नाम लिया और यहाँ पे ऐसे ऐसे किया, आपके हाथ के ऊपर फोटो आ गई। इससे ज्यादा बढ़िया चीज क्या हो सकती है? जादूगर बन गए हम सब आज से, ठीक है जी। अब आते हैं वापस सिंबल के ऊपर, जो अपना आज का मेजर टॉपिक है। अब ये सिंबल क्या है? ये सिंबल है कोई छोटा मोटा सिंबल नहीं है, ये बहुत पावर से भरा हुआ सिंबल है, ठीक है जी। इसके अंदर कितनी पावर्स हैं? इसके अंदर अनलिमिटेड पावर्स हैं। अब जब इस सिंबल को आपको किसी को हीलिंग देनी है फेस टू फेस, तो भी आप इस सिंबल को ऐसे यूज करोगे, ठीक है जी। यही पंच यूज होगा, चौकोरे से हिलकी काइंड ऑफ इमेजिन करके आप थर्ड आई टू थर्ड आई हीलिंग करेंगे। आपके स्लीप पैटर्न, आपके स्पिरिचुअल पैटर्न, आपका स्पिरिचुअल अध्यात्म से कनेक्शन, आपके जितने भी स्लीप पैटर्न है, आपके स्पिरिचुअलिटी के पैटर्न है, आपका अध्यात्म से कनेक्शन है, वहां हर जगह पे सिंबल आपके साथ जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति अध्यात्म को उन्नति चाहते हैं लेकिन कनेक्शन नहीं हो पा रहा, जो व्यक्ति ट्रांसफॉर्म चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर लेकिन ट्रांसफॉर्म हो नहीं पा रहा, वहां पे ओम सजेशन एंड सिंबल की हीलिंग और अटेनमेंट बहुत बड़ा काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास सिंबल की अटेनमेंट है ना, तो आप किसी भी व्यक्ति को लेवल वन की अटेनमेंट दे सकते हो। चौकोरे की अटेनमेंट आप भी किसी को दे सकते हो, अब वो पैसे लेके देनी है, फ्री में देनी है, वो आपकी कॉल है, बट आप अटेनमेंट दे सकते हो। होम सजेशन एंड सिंबल जो है, ये सिंबल इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि इसका हमारे डीएनए से कनेक्शन माना गया है, बोन मैरो से कनेक्शन माना गया है सिंबल का। हमारा बोन मैरो के अंदर भी सिंबल के क्या है वो पाए जाते हैं, मतलब ये बोन मैरो तक की हमारी बॉडी की हीलिंग करता है सिंबल। और यह सिंबल ना सिर्फ आपको इंटरनल हील करता है, बल्कि आपको एक्सटर्नल भी हील करता है, आपको प्रोटेक्शन लेयर्स भी देता है, आपके ऑरा को भी प्रोटेक्शन लेयर देता है। यह सिंबल अध्यात्म के अंदर आपको उस लेवल तक लेके जाता है जिस लेवल पे आप सोच नहीं चाहते। कहते हैं ट्रांसफॉर्म एक वर्ड है, ये ट्रांसफॉर्म महसूस करवा देता है आपको, यह सिंबल आपको ट्रांसफॉर्म महसूस करवा देता है। कहते हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे की, करना तो चाहता हूँ, मैं लोगों को सिखाना तो चाहता हूँ, बट हाउ टू स्टार्ट, मेरे को आती भी है पर मैं स्टार्ट नहीं कर पाता।
कॉम्प्यूटेशन यानी कि जब अटेनमेंट आपके साथ जुड़ती है तो आप स्टार्ट भी कर पाते हो, आप यूज भी कर पाते हो, आप पूर्ण तरीके से इस सिंबल अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस वाली इमेज को महसूस भी कर पाते हो। बिगेस्ट ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म इन अध्यात्म। जो लोग मेडिटेशन के अंदर, मेडिटेशन तो करते हैं बट मेडिटेशन के अंदर फंसे हुए हैं कि कर रहे हैं बस समझ में नहीं आ रहा, खाना पूर्ति वाला काम चल रहा है अपनी लाइफ के अंदर, ये उस खाना पूर्ति से भी आपको बाहर करता है। मतलब है ना कि विदाउट पर्पस मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी ने कहा आंख बंद करके बैठ जाओ, मैं आंख बंद करके बैठ गया, बट मेरा जो एक अपना वो होना चाहिए ना कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस कनेक्ट नहीं हो पा रहा, वो कॉन्शियसनेस कनेक्ट करने के लिए भी होम सिचुएशन एंड सिंबल का हमारे साथ जुड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सिंबल के साथ आप लोगों को तब आपको प्रैक्टिकली भी बताया जाएगा जी भैया। ठीक है, अभी डिस्टेंस सीलिंग का पैटर्न बना रहे हैं हम, ये है एक आदमी के लिए जो मैंने आपको बताया है। कल परसों हम जब लेवल बढ़ते जाएंगे, अभी तो हम स्टूडेंट हैं, अभी हम टीचर बन जाएंगे एक दो दिन के अंदर, ठीक है जी, पहले गुरु बनेंगे फिर महागुरु बनेंगे, तो 500 आदमी की भी हीलिंग एक साथ करनी है, 1000 आदमी की हीलिंग भी एक साथ करनी है, तो वो भी सीखेंगे, वहां पे आपको सारे पैटर्न बताए जाएंगे। मैं एक्चुअली आज सिंबल को इसलिए ज्यादा सेपरेट लेके चल रहा हूँ आप लोगों के साथ बिकॉज मुझे पता है कि आपको हर कदम पे सिंबल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है जी, इसका आपके पास्ट से भी कनेक्शन है, इसका आपके प्रेजेंट से भी कनेक्शन है, सिंबल का इसका आपके फ्यूचर से भी कनेक्शन है। ठीक है जी, ये सिंबल अगर किसी को फॉरगिव नहीं किया जा रहा, किसी व्यक्ति को कोई फॉरगिव नहीं कर पा रहा, तो वहां पे भी काम करता है ये सिंबल के साथ। चौकोर सिंबल या सहकी सिंबल को अगर आप जोड़ देते हो तो उनकी पावर 8 गुना 10 गुना बढ़ जाती है, उन सिंबल्स की पावर 8 गुना 10 गुना बढ़ जाती है, पावर्स को मल्टीप्लाई करने का ये सिंबल काम करता है। ट्रांसफॉर्मर एनर्जी है इसके अंदर, मतलब इसकी ऊर्जा रुके ही ना और खत्म ही ना हो, ऐसी ऊर्जा है इसके अंदर। ये कहता है मसल्स के ऊपर, शरीर के ऊपर, एक तो होता है स्पर्श करना, मैंने आपको हाथ लगाया और हीलिंग करी, एक होता है मैंने आपको स्पर्श नहीं किया लेकिन आपको हीलिंग का एहसास हो गया, मैंने आपको हाथ नहीं लगाया और आपको हीलिंग का एहसास हो गया। ये सिंबल आपको बिना स्पर्श के हीलिंग देता है, बिना स्पर्श किए भी हीलिंग का एहसास करवाता है, ऐसा लगता है कि कोई चीज है जो मेरे शरीर के ऊपर घूम रही है, कोई चीज है जो मुझे महसूस हो रही है, काइंड ऑफ जब आप इसकी हीलिंग लेते हो। कहा जाता है कि होम सजेशन एंड सिंबल को जितना सीरियसली आप रेकी के अंदर लेके चलेंगे उतना ज्यादा सीरियसली आप एक अच्छे हीलर बनेंगे। बट एक चीज की ध्यान रखना है, 100-200 बार कम से कम इस सिंबल को ड्रॉ कर लेना, 100-200 बार जब आप इस सिंबल को ड्रॉ कर लोगे ना तो आपका इस सिंबल के ऊपर हाथ सेट हो जाएगा। नहीं 100-200 बार कर पा रहे हो तो डेली 5-10 बार आप सिंबल को ड्रॉ कीजिए। एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, दो दो लोगों का ग्रुप बनाइए, पूरा सिंबल बनाइए, देख देख के बनाइए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना कि भैया मेरे को आ गया मैं बना लूंगा, देख देख के बनाइए, कोई वो नहीं है, मतलब शर्म नहीं है कि हम सीख रहे हैं हम सभी, तो एक बार देखा, दो बार देखा, 4 बार देखा 6 बार देखा, सही भी बना रहे हो तो भी देखते रहो, पहले देखने में इतने माहिर हो जाओ कि अपने आप ही देखने की जरूरत ना पड़े, उस लेवल पर जाके आप इस सिंबल को बनाना प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। अब ये सिंबल इतना ज्यादा पावरफुल माना जाता है कि दमे की बीमारी में, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी के अंदर, बोन कैंसर के अंदर, रीढ़ की हड्डी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, L4-L5 के अंदर, एक्सीडेंटल बोन डैमेज रिकवरी के अंदर इस सिंबल की बहुत ज्यादा पावर मानी जाती है। ठीक है जी, जहाँ पे नी रिप्लेसमेंट और जैसी चीजें आती हैं काइंड ऑफ, वहां पे भी सिंबल को बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। ऊर्जा के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंबल पावरफुल है, मल्टीप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंबल बहुत पावरफुल है, डिस्टेंस हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंबल बहुत पावरफुल है, और आपको एक लेवल आगे ले जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंबल बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो देखो कोई भी हीलर आपको ये कहेगा कि भाई आप ना इसको ड्रॉ करो सिंबल को और ट्रेवल करने के लिए कहो, मैं कहता हूँ फुल बॉडी फोटो लेकर फोटोग्राफिक मेमोरी का यूज करो, आपकी मेमोरी और याददाश्त बहुत तेज होगी अगर आप फोटोग्राफिक मेमोरी की एक्सरसाइज करोगे, आपकी मेमोरी और याददाश्त बहुत तेज होगी, और उसके बाद आप सबकॉन्शियसली भी उस व्यक्ति को हील कर रहे हो, कॉन्शियसली भी हील कर रहे हो और अनकॉन्शियसली भी आप उस व्यक्ति को हील कर रहे हो,
और दैट इज मतलब वी कैन से रियल जॉब, एक रेकी हीलर की रियल जॉब है कि जब वो किसी व्यक्ति की हीलिंग करे तो भाव जो हो, भाव के अंदर कोई स्वार्थ ना हो, भाव जितना निस्वार्थ होगा हीलिंग उतनी ज्यादा स्ट्रोंग होगी, उतनी ज्यादा पावरफुल होगी। मैं आपको बता देता हूँ, चाइना में होमसिचुएशन एंड सिंबल को बहुत ज्यादा माना जाता है चाइना के अंदर, ठीक है, ऑल्दो जापान में भी बहुत माना जाता है, लेकिन चाइना ना इसके ऊपर साइंटिफिकली बहुत काम कर रहे हैं। 3 मिनट के अंदर एक बॉडी से कैंसर को खत्म करने की हिम्मत रखता है, 3 मिनट के अंदर ट्यूमर को खत्म करने की। लाइव वीडियोस हैं चाइना के पास कि एक व्यक्ति को अल्ट्रासाउंड मशीन पे डाला हुआ है, अल्ट्रासाउंड में कैंसर दिखाई दे रहा है और उधर से रेकी चालू है उस व्यक्ति की, और कुछ हीलर्स का ग्रुप मिलकर उस व्यक्ति की रेकी कर रहा है और अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर कैंसर गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट इज पावर, प्रॉब्लम के कारण को खत्म कर देता है, जड़ को खत्म कर देता है। और 36 मेजर इलनेस के अंदर इसको माना पाया, मतलब इसको पावरफुल माना गया है। 36 मेजर इलनेस मतलब ऐसी मेजर बीमारियां जिनका इलाज आसान नहीं है, जिनका इलाज मार्केट में मिलता नहीं है, अगर बीमारी हो जाए तो आदमी आधा वैसे ही मर जाता है। वो HIV के ऊपर होमसिचुएशन एंड सिंबल की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है, स्टॉप कर देता है, जहां है ना वही रोक देता है, ये इसकी पावर है। और डैमेज नहीं, जहां पे डिटेक्ट हो गया वहीं पर रोक देता है। तो इसलिए सिंबल को समझाते हुए ना टोन भी स्लो चलती है, कि इसको वैसा आप लाइटली ना सिंबल समझे कि ये सिंबल मतलब नॉर्मल सिंबल्स की तरह आप इसको ट्रीट करें कि हाँ ठीक है, यह बनाने में मुश्किल है। कुछ लोग इसको एतराज करते हैं बनाने की वजह से कि इसको बनाना मुश्किल है, तो लोग उसको बनाना ही पसंद नहीं करते, दूसरे सिंबल से काम करते हैं। बट नहीं, होम सजेशन एंड सिंबल इस तरीके से, इसकी गति का कोई अनुमान नहीं लगा सकते हम, ठीक है। वी कैन से टेलीपोर्टाइजेशन मतलब इधर बोला और उधर प्रकट, इधर से आपने छोड़ा और उधर प्रकट, इसको रफ्तार का सिंबल बोला जाता है, मतलब इसकी गति नापना नामुमकिन है। और समझो कि आपके सिंबल को लेकर ट्रेवल कर रहा है तो व्यक्ति की बोन मैरो से शुरू करेगा, बोन के अंदर से शुरू करेगा, बोन पे लाएगा हीलिंग को, उसके बाद मसल्स के जो सिंबल है वो मसल्स के ऊपर काम करेंगे, वेन्स के जो सिंबल है वो वेन्स के ऊपर काम करेंगे, और इंटरनल और एक्सटर्नल जो उनके पावर्स हैं आपके ओरे के ऊपर, मेंटल ओरे के ऊपर, फिजिकल ओरे के ऊपर, वो उस तरीके से काम करना शुरू करते हैं। तो इसकी पावर्स जो है अनलिमिटेड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि होम सजेशन एंड सिंबल आप लोगों को समझ आ गया होगा और इसके ऊपर अब आप लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। क्लास में आप लोगों का होमवर्क है आज, कल किसी भी व्यक्ति से पूछा जा सकता है आप में से, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट होमवर्क ओनली, कि अपनी कॉपी दिखाइए आपने कितने सिंबल बनाए। एट लीस्ट मिनिमम 100 टाइम आपको होम सजेशन एंड सिंबल बनाना है, 100 टाइम। और अच्छी बात यह होगी अगर आप मेहनत करें तो चौकोरे सहेकी, चौकोरे होम सजेशन एंड चौकोरे, ऐसे आप एक ऐसे 100 सेट बनाएं, आप लोगों की प्रैक्टिस बड़ी परफेक्ट हो जाएगी। एक बार कॉम्बिनेशन बना लीजिए, एक बार की मेहनत है, लाइफ टाइम का आप लोगों के पास इसका फायदा रहेगा। अभी होम सजेशन एंड की पिक्चर को हम देखेंगे एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, जब मैं 1 2 3 बोलूंगा सेम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि इस सिंबल के अटूनमेंट मैं आपको देने से पहले एक चीज के लिए श्योर होना जरूरी है कि क्या आप इस सिंबल को इमेजिन कर पा रहे हैं, और अगर आप इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे प्रॉपर, इसको फोटोग्राफी मेमोरी में आपकी नहीं है, तो फिर इसकी अटूनमेंट में चैलेंज आता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 3 बार मैं आपको एक्सरसाइज आज करवाऊंगा, उसके बाद रात को सोने से पहले 8-10 बार करना, कल दिन में इसकी एक्सरसाइज कर लेना, और 100 बार आप इस सिंबल को ड्रॉ कर लेना। अटेनमेंट कल क्लास की स्टार्टिंग में करेंगे हम इसकी, स्टार्टिंग में, एंड में नहीं, स्टार्टिंग में। कारण कि आपका होमवर्क हो गया, होमवर्क होने के बाद हम फिर एक बार इसकी पिक्चर देखेंगे और पिक्चर को देख के सिंबल को अट्यून देंगे, क्योंकि अगर अभी हम इस सिंबल को आप लोगों के साथ अट्यून करेंगे तो एक चैलेंज आएगा। चैलेंज क्या आएगा कि आप लोग इसको प्रॉपर इमेजिन नहीं कर पाओगे, और प्रॉपर इमेजिन नहीं करेंगे तो इसके अटेनमेंट 2 सिंबल जो हमने पास्ट में करे हैं सेकी और चौकोरे, उससे 3 टाइम ज्यादा पावरफुल इसका एक्सपीरियंस मतलब हमें होना चाहिए, तो वो अटेनमेंट प्रॉपर नहीं होगी। इसलिए हम
टाइम देंगे सब एक दूसरे को, एक तरीके से क्लास अभी खत्म हो जाएगी, ठीक है, मतलब अगले कुछ मिनटों में अभी क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को ये मान के चल रहे हैं कि क्लास आज 9 बजे तक चलेगी और 9 बजे तक आपको अपना होमवर्क जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं आपको करना है। देखिए हमें ईमानदार हीलर बनना है तो ईमानदारी से होमवर्क भी करना होगा, सभी व्यक्तियों को ईमानदार हीलर बनना है तो ईमानदार से होमवर्क भी करना होगा। जिन व्यक्तियों को पीपीटी खोलनी नहीं आती, प्रेजेंटेशन खोलनी नहीं आती, उन व्यक्तियों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, सपना मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग या तो गूगल में जाओ, ओमशो जोशी नेम टाइप करो, कैसे बनाए लिखो उसके आगे, और फोटो डाउनलोड कर लो अपने फोन में, फोटो को देख के बनाते रहिए, या फिर सपना मैडम जी आप ये काम करें और अपने ग्रुपों के अंदर सिंबल की बनाने वाली फोटो डाल दें, नेट पे अवेलेबल है, बहुत इजी अवेलेबल है, तो क्या आप लोगों को आसानी रहेगी, देख के बना सकते हैं, हर कोई प्रेजेंटेशन नहीं खोल सकता यहाँ पे। दूसरी चीज, अभी हम एक बार एक्सरसाइज करते हैं और उसके मेरे एक्सरसाइज खत्म करवाने के बाद आप इसको मल्टी बार एक्सरसाइज करोगे और फिर इस सिंबल को बार बार बनाएंगे। अब आप ये समझ लो कि आपकी मेहनत ज्यादा है इस सिंबल को ट्रीटमेंट लेने के लिए, ठीक है, और नकली काम नहीं करना हम लोगों को यहाँ पे कि मैंने आपको ट्रीटमेंट देके अपना काम खत्म किया, नहीं, जब तक प्रॉपर तरीके से हम लोग इस सिंबल को नहीं पहचानेंगे तब तक हम इसके ट्रीटमेंट नहीं लेंगे और कल तक हम इसको प्रॉपर तरीके से पहचान जाएंगे। तो अभी एक बार मैं आप लोगों का स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको ये सिंबल दोबारा से स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। तो आप इसके पॉइंट नंबर 14 पे देखिए, पॉइंट नंबर 14, ठीक है, 14 नंबर पॉइंट पे देखिए, एक मिनट तक लगातार स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मैं जब 1 2 3 बोलूंगा तो हम ऊपर करके आईज ब्लिंक करेंगे। वन टू थ्री मूव, ऊपर की तरफ देखेंगे और आईज ब्लिंक करेंगे। दोबारा देखेंगे सिंबल की तरफ मूव करेंगे, 1 2 3 मूव। अगेन स्टॉप करेंगे, एक बार फिर देखेंगे,
वन टू थ्री मूव, मूव करेंगे ओके अब आप इस सिंबल को जैसे जैसे याद करेंगे सिंबल आसानी से बनता चला जाएगा क्योंकि हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी के अंदर सिंबल आ रहा है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्लास चालू है, मेरी तरफ से ओवर है, लेकिन आप लोग अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नो सवाल नो जवाब, सिर्फ हमें जितना मैक्सिमम होमवर्क है वो कवर करना है अभी, फोटोग्राफिक मेमोरी में भी और ऑन पेपर भी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं बेस्ट टू बेस्ट टू बेस्ट हीलर बने तो फाउंडेशन का बेस माना जाता है ये। और डिस्टेंस हीलर में जो व्यक्ति एक घर बैठे किसी दूसरे को टिक कर दे वही एक सॉलिड हीलर माना जाता है। तो अपनी फाउंडेशन के लिए हम लोग काम करेंगे। कल के लिए मेरी एक विनती है आप सबसे, क्लास बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन करेंगे, लेट और जल्दी नहीं। 7 बजे का टाइम है तो हम पूरे 7 बजे क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। मेरा मानना यह है कि हम 7:05 पे कल अटेनमेंट स्टार्ट कर देंगे इस सिंबल की। फिर ऐसा ना हो कि इसको सभी लोग सीरियसली लें, कल 7 और सुबह भी 7 बजे वो रेकी प्रैक्टिस और रेकी प्रैक्टिस कल सुबह 7 बजे स्टार्ट होगी, 7 से 7:25 तक सभी लोग। कैमरा बंद है विनय भी, यार कैमरा बंद है, कैमरा खोलेंगे थोड़ा रुको तो। अच्छा तो, आप लोग अभी प्रैक्टिस कीजिए। और सर मेरी आपसे विनती है कि पिन ड्रॉप साइलेंस वाली प्रैक्टिस करवानी है यहाँ पे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस जैसे क्लास में होता है और प्रैक्टिस करते हैं सभी बच्चे वैसे करनी है। और नंबर पे देख नजर रखना कि कितने लोग भाग रहे हैं क्लास से, अभी प्रैक्टिस से भाग रहे हैं, मतलब क्लास के नंबर पे आप नजर रखिएगा अगले आधे घंटे तक। तो मेरी तरफ से सभी को अभी नमस्कार, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। सपना जैन मैडम जी, विनय सर और अर्चना जैन मैडम जी की नजरें आप लोगों के ऊपर 6 कैमरे के रूप में है और 1 कैमरा यूनिवर्स का, तो आप लोग बड़ी ही ईमानदारी से अपना होमवर्क करेंगे। और अगर कल कोई पकड़ा गया तो फाइन लगेगा, जितनी चॉकलेट दिए सब वापस ले लेंगे। भैया दी कहाँ किसी को, झूठ। पर्ची वाली चल रहा है सपना जी, चलिए जी पहले एक प्रैक्टिस टेक इट सीरियस। स्क्रीन पर सिंबल डाल रहा हूँ, आप लोगों को मदद करेंगे ये प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको देख के करते रहिए। तभी स्क्रीनशॉट ले लें इसका, हम अलग से तो डाल ही देंगे ग्रुप में, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आकाश भैया इसमें सबके साथ ×3 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज स्क्रीन पे ड्रॉ नहीं करिए, आप कौन कर रहे हैं मत करिए प्लीज, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। थोड़ी क्लास की मर्यादा को बना के रखिए, कहीं ना कहीं इसको महसूस कीजिए कि हम और आप स्टूडेंट हैं और कोई गुरु हमारे सामने बैठ के हमें कुछ सिखा रहे हैं, तो एज अ स्टूडेंट उसको सीखने का प्रयास कीजिए।
स्क्रीन वाले जाके उसको क्लियर कर दीजिए। नहीं तो स्क्रीन वाले जाके क्लियर कर दीजिए, वो पता नहीं कोई अनऑथराइज्ड पर्सन करता है। लोग भैया सिर्फ यही करने के लिए ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, उनको ना पढ़ना होता है ना पढ़ाने देते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं क्लास को। आकाश भैया सर चले गए हैं मुझे लग रहा है। ठीक है रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम। हाँ सभी लोग प्लीज ड्रॉ करें जैसा भैया होमवर्क देकर गए। आधे घंटे क्लास और रहेगी, 8:30 पे हम इसे बंद कर देंगे। सभी लोग यहाँ पे अपनी उपस्थिति दें और क्लास का जो भी होमवर्क है उसको प्रैक्टिस करें। देखिए जो स्क्रीन पे अपन को ये पिक्चर डाला है भैया ने, इसकी भी प्रैक्टिस बराबर करनी है क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग में हमको इसी की तरह से हीलिंग देना है, ये पैटर्न है, इसकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करनी है। इसके अलावा जो भैया ने हमें आखिरी सिंबल बताया है, इसका नाम जो है होन्सु ज़ेन वाला सिंबल है, इसकी प्रैक्टिस भी आपको अलग से करनी है। तो आपको ये सारे सिंबल्स जो भी दिए हैं स्क्रीन वाला, इसकी प्रैक्टिस भी आपको लगभग 50 टाइम्स करनी चाहिए
और होंसु जैन वाले की तो 100 times भैया ने बोला ये प्रैक्टिस करें, तो प्लीज आप दोनों की ही प्रैक्टिस करें, हमारे और आपके ही काम आना है इसको।
अर्चना दीदी, विनय भैया, हाँ बोलिए। मैं बोल रही थी क्लास खत्म करने का टाइम आ रहा है भैया। हाँ कर देते हैं, 5 मिनट और बचे हैं। अपन किसी के सिंबल देखना चाहते हैं क्या? अनाउंसमेंट कर, हाँ देख लेते हैं। आप आओ सामने, शेयर स्क्रीन बंद कर दो। शेयर स्क्रीन अपन कैसे बंद करेंगे, भैया ने किया है ऑन। तो बोलो, बोलना पड़ेगा ना फोन करके। हाँ तभी हो पाएगा। हाँ बहुत बहुत से लोग दिखा तो रहे हैं बट अपन कर नहीं पा रहे। आप कॉल कर रहे हैं, मैं करूं? आप करो, आप करो। ठीक है, और कल सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक रेकी का प्रैक्टिस होगा। सभी लोग ज्वाइन हो 7 to 7:30। भैया हाँ मैं ऐसा करता हूँ, उनका कॉल लग नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं अपन मीटिंग को एंड कर देते हैं, क्योंकि मैं लगा भी रही हूँ ना, तो मैं मीटिंग से बाहर हो रही हूँ। एक मिनट रुको, मैं आपको होस्ट बना के लीव करता हूँ मीटिंग। तो एक ही बात है, अपन मीटिंग खत्म ही तो कर रहे हैं, मुझे होस्ट बनाने का क्या फायदा, अपन तो खत्म ही। आकाश भैया, आकाश भैया, आकाश भैया नहीं आएंगे भैया, उनने पहले ही बोल दिया था कि उनको जरूरी काम है ना, तो अपन मीटिंग एंड कर देते हैं, सभी को जय जिनेंद्र कर देते हैं। एक मिनट रुको। हाँ हाँ नहीं, इसमें देखता हूँ मैं कोई ऑप्शन है क्या, शेयर स्क्रीन बंद। क्योंकि वैसे भी काफी लोग जा चुके हैं, 200-250 लोग भी नहीं बचे हैं। हमारी दीपा जी कुछ कहना चाहती हैं, पर दीपा जी एक्चुअली में क्या है ना, अपन ये सोच रहे थे कि मीटिंग को खत्म ही करते। चलिए आप ही बस का हैंड रेज लेती हूँ मैं, चलिए बोलिए। थैंक यू सपना जी। एक्चुअली एक क्वेश्चन था, जो ये साइन बनाया है ना अभी भैया ने, एक पिक्चर में जो बिल्कुल लास्ट में जो हमारी फिगर है ना, लास्ट वाली फिगर है, उसमें एक पिक्चर जो भैया ने शेयर की थी उसमें नीचे भी एक लाइन थी, लेकिन जो अभी डिस्प्ले हुई है उसमें नहीं है। आप जो बोल रहे हैं ना, मेरे को भी दिखा, चांद टाइप का बना है। हाँ 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 वही पूछ रही थी। हाँ और यहाँ पर सिंबल इसके साइड में, ये कल भैया से डिस्कस कर लेंगे। यही पूछना था कि ये सिंबल एक पिक्चर में अलग था, एक पिक्चर में, इस वाली पिक्चर में अलग है, तो करेक्ट कौन सी है? हाँ कर दिया मैंने, शेयर स्क्रीन बंद कर दिया है। अरे वाह चलिए, तो वही वाला क्वेश्चन था मेरा कि हमें वो वाला एक और मेंशन करना है लाइन की नहीं करना है, बस इतना ही पूछना था। अच्छा तो वो एक्चुअली में क्या है कि जब भैया आएंगे तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे, तो कल याद रखिएगा आप लोग भी, तो हम ये क्वेश्चन भैया के सामने ही ले लेंगे कि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, बस इतना ही है। हमें भी क्योंकि देखिए जब सीख रहे हैं तो सब चीज तरीके से ही सीखे। हाँ, या तो वो राइट है या ये राइट है, या दोनों ही चीजें राइट हो सकती है। सपना जी क्वेश्चन क्या है पूछिए भैया, ये जो उन्होंने आज का जो सिंबल बताया ना भैया ने, हाँ, तो आप कहाँ हो पहले स्क्रीन पे आ जाओ ना, आप भी बात करने में तभी मजा आता है, दिखता नहीं हो तो मजा ही नहीं आता। बोलिए दीपा जी, क्या क्वेश्चन है दीदी? ये जो ये जो लास्ट में फिगर बनाई है ना भैया ने, तो उसमें बिल्कुल लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन थी एक, बिल्कुल लास्ट में एक फिगर में तो है, एक फिगर में नहीं है, तो आप बताइए ना कौन सी लाइन मुझे। देखो दीदी वो है, सुनो, जैसे होनसुजन का अभी पिक्चर नंबर बोलिए, नंबर बोलिए, 20, 21, 19, 18 नंबर बोलिए, कौन सी लाइन?
अच्छा नंबर के साथ लिखा क्या आप लोगों ने? मैंने नंबर के साथ नहीं लिखा है, बट मैं देख सकती हूँ, एक सेकेंड। देखिए नीचे में एक अर्ध चंद्राकार है, उसके अंदर दो चंद्र है, फिर लास्ट में एक और है, लास्ट में एक चंद्रमा और है, बिल्कुल लास्ट में। हाँ एक चंद्रमा, उसके ऊपर दो चंद्रमा। नहीं लेकिन लास्ट में, एक सेकंड दीपा जी, लेकिन दीदी जो अभी पिक्चर उन्होंने बताया कंबाइंड पिक्चर था वो, उस पिक्चर में उन्होंने दो चंद्रमे जो बनाए हैं उसके साइड से वो बड़ा चंद्रमा बनाया, नीचे वाले चंद्रमा को हटा दिया। यस देखो ये दोनों साइड से चलेगा ये। अच्छा। कोई कोई लोग कैसा सिखाते हैं रेकी में, नीचे से बनाना, कोई हाँ। लोग को थोड़ा साइड से बनाते हैं। अच्छा। और उसके ऊपर वे दो चंद्रमा बनाते हैं। दोनों ही राइट है ना, दोनों ही राइट है। ये देखिए कोई लोग आपको ऐसा सिखाएंगे, देख रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस यस, कोई आपको ऐसा सिखाएंगे। देखिए वो एक ही बात है, वो बनाने में पहुंचते पहुंचते तक थोड़ा सा लोगों तक पहुंचते पहुंचते तक चेंज, और कोई ऐसे नीचे से पूरा बना के। हाँ हाँ बस बस यही हुआ, हमको कंफ्यूजन मुझे भी था, तो मुझे लगा कल भैया आएंगे तो वो एक ही बात है, ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, वो ऐसे ऐसे करते करते वो नीचे से ऐसा, बस वो दीदी यही लगा था कोई स्टेप मिस ना हो जाए। ठीक है दीपा जी, अच्छा क्वेश्चन था आपका, क्लियर हो गया, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा ये क्वेश्चन, आज ही क्लियर हो गया। और पूछ सकते हैं आपको, ले लो एक दो को सपना, एक दो को और ले लें। सुनीता लोधा जी है क्या? सुबह उन्होंने मुझे कॉल करके कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, तो मैंने कहा आप ग्रुप में ही बताइएगा, शुरू में तो उन्होंने एड्रेस किया हुआ था। अभी हम कुछ डिफरेंट लोगों को ले लेते हैं ना, हर बार सभी को अलग अलग। जैकी संकेती को लीजिए भाई, ये जैकी भाई जुड़े हमारे साथ। जैकी भैया बोलिए। जय गिनेन्द्र मैडम, और काफी अच्छा सेशन आप लोग करवा रहे हैं, ये बहुत ही आनंद और सारे लोगों को हीलिंग हो रहा है इससे। मैं बस दो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। एक पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई डिस्टेंस हीलिंग कर रहा है तो उसमें उस समय क्या सामने वाले व्यक्ति से हमें परमिशन लेनी होगी कि हम डिस्टेंस हीलिंग में उसको दे सकते हैं, अगर पॉजिटिव एनर्जी है उसको हील कर रहे हैं? सेकंड, परमिशन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो भी आप कर सकते हैं, विदाउट परमिशन भी इसको कर सकते हैं। एक्चुअली में भैया देखिए कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि बोलने की स्थिति में नहीं होते, उस समय आप वेट थोड़ी करेंगे कि वो बोलेंगे कि नहीं, इमरजेंसी में तो आप कहीं भी खड़े हो ना वहीं से हील कर सकते हैं उनको, तो हीलिंग हम उस समय कहीं से भी दे सकते हैं, जैसी कंडीशन अप्लाई होती है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें हम आगे के सेशन में भैया से और क्लियर हो जाएंगी। इसमें एक और बात ये हो जाती है, कोई हमारा एनिमी है उस पे हमें रेकी करना है, वो तो हमसे बात नहीं कर रहा है, और हमारी तो इच्छा है हमारा फ्रेंड है भाई हम इसको रेकी दे ठीक करे, तो परमिशन तो कैसे लोगे, नहीं ले सकते, इससे आप रेकी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एज अ डॉक्टर आप किसी को भी हीलिंग दे सकते हो। हाँ जी और बोलिए कुछ। हाँ। और भी एक छोटा सा और क्वेश्चन था, जो एक सिंबल में आज अपन कर रहे थे तो उसमें अगर एक छोटा सा वीडियो सरका है, उसमें उन्होंने एक चीज बताया है कि अगर आपका जो सिंबल है वो दूसरे रूप में भी अगर आप देते हैं तो भी वो काम करेगा। इससे पहले का जो क्वेश्चन था ना उसके लिए बस मैं ये लाइन जोड़ सकता, कि एक सर की वीडियो थी उसमें उन्होंने ये चीज बताया था कि अगर सिंबल की जो अलग दिख रही है उस सिंबल, जो मैडम का क्वेश्चन था उसमें भी वो काम करेगा, एक यूट्यूब के वीडियो में ही है इसका आंसर पहले के साथ। आप इसको बहुत अच्छी चीज है, इसमें यदि है तो आप इसको रिपीट आईवीएस हीलिंग सेंटर के पेज पे जाके देख लीजिए, या तो मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में इसको, तो आप लोग एक बार वापस देख लीजिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये दो तीन दिनों की अभी जो अपनी हुई है हीलिंग के सेशंस, इसके अगर आप लिंक डाल देंगी आईबीएस के, डाल देंगे बस। हाँ बहुत अच्छा, वैसे हमने एक डाला है उस दिन का, मैं अभी सारी लिंक सेंड कर दी गई है, एक परमानेंट मैंने लिंक सेंड किया है जिसको आप क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस ओपन हो रहे हैं एक साथ में, फेसबुक या यूट्यूब के लिंक, यूट्यूब फेसबुक या यूट्यूब दोनों पे मिलेंगे। आईपीएस का फेसबुक पेज में भी लाइव हो रहा है, तो दोनों लिंक हम आपको फिर से शेयर कर देंगे। आप किसी ग्रुप में है क्या भैया, रेकी ग्रुप में? आप कोई ग्रुप में जुड़े हैं? आपने रजिस्ट्रेशन कराया है? रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं कराया मैम।
तो आप किसी भी ग्रुप में नहीं होंगे तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिल पाएगी आपको, फिर ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं रजिस्ट्रेशन का किस तरीके का प्रोसेस है थोड़ा सा आप मेरे को? रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए, पहले अपना नंबर बोल दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ले लेती हूँ, एक कॉमन ग्रुप में। 9669 एक मिनट, नाइन डबल सिक्स नाइन डबल जीरो टू सिक्स डबल जीरो 2600 एक सेकेंड 9669002600 ऐसा बोला क्या आपने? हाँ जी बिल्कुल यही राइट है। और तहे दिल से आप दोनों का धन्यवाद करता हूँ और बाकी सारे लोगों का कि बहुत अच्छे सेशंस कर रहे हैं और इस तरीके के सेशन लगातार आप करते रहिए। आईवीएस में मैं सुबह जुड़ता हूँ और दोपहर और शाम की सेशंस में भी प्रयासरत रहता है मेरा जुड़ने का। और बिल्कुल सुबह जुड़ते हो आप? हाँ मैडम मैं जुड़ता हूँ, मेरा कई बार अभी मैं बहुत अच्छे से उच्चारण नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब आपके साथ कंटिन्यूस करते करते कई 7-8 श्लोक को अच्छे से स्मरण से याद हो गया मुझे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, तत्वार्थ सूत्र को अभी तक वो नहीं कर पाया हूँ, ग्रैब नहीं कर पाया हूँ, बट अगर आपके साथ निरंतर रहा तो मैं जल्दी सीख जाऊंगा लग रहा है। आप ना, आपके पास यदि समय है तो आप तत्वार्थ सूत्रों को सुनते रहिए और आईवीएस हीलिंग सेंटर के पेज पे तो तत्वार सूत्र यूट्यूब डॉक्टर अर्चना वी जैन का यूट्यूब चैनल है, उस पे हम शाम तक डाल देते हैं, तो रिपीट सुनिए। एक बार में तत्वार सूत्र नए नए लोगों को समझ में नहीं आता है, तो आपको रिपीट तत्वार सूत्र सुनना पड़ेगा जब आपको वो समझ में आएगा, है ना? तो आप धन्यवाद, जब भी टाइम मिले आप सुनिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी ड्राइविंग में मैं सुन रहा हूँ। ग्रुप में ज्वाइन करा लिया है, रेगी ग्रुप में, एक कॉमन ग्रुप में आपको ज्वाइन करा लिया है मैंने, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी अपडेट इन्फॉर्मेशन में उसमें डाल दूंगी। और सर जो भी पेमेंट होगा या पेटीएम होगा प्लीज डालिएगा, मैं उसको बिल्कुल आपको शेयर करता हूं। आपकी अगर इच्छा है, देखिए हमने दोनों ही चीजें खुली रखी है, जो बिना चार्ज के करना चाहता है वो भी इस मंच में इन्वाइटेड है, और जो अगर सर्टिफिकेट की इच्छा रखते हैं तो उनको एक छोटा सा अमाउंट, एक डोनेशन राशि है 302 रुपए मात्र। आप 1-4 लेवल रेकी की सीखेंगे, 302 रुपए का पेमेंट करेंगे जो आईवीएस की शाखा में जाएगा, और वो पैसा पूरा का पूरा आपका धर्म के क्षेत्र में खर्च होगा। तो उसके मैं और मेरी धर्मपत्नी ज्योत्सना संचेती, मैं और मेरी धर्मपत्नी ज्योत्सना संचेती के नाम पे मैं जरूर डाल दूंगा मैडम, 604 रुपए आ जाएंगे। जिसके नाम से पैसा जमा होगा उनका नाम सर्टिफिकेट में आ जाएगा, अगर आप करेंगे तो बेहतर होगा। आप चूंकि आप सीख रहे हैं तो अपने नाम से करिए। दोनों सीख रहे हैं, वो भी सीख रही है, मैं भी सीखता हूँ। तो फिर दो लोगों के नाम से आप पैसा जो भी है आईबीएस का, हम आपको पूरा जो है पेमेंट का तरीका बता देंगे। एक फॉर्म फिल करना है, वो आप कर लीजिएगा, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में रिपीट कर दूंगी। अपना एक मैसेज आ रहा है कि फॉर्म ओपन नहीं हो रहा करके। नहीं, हाँ जी, थैंक यू भैया। चलिए आगे भी जुड़े रहिए, अब बहुत अच्छे अच्छे नए नए कोर्सेज हम लोग लेकर आएंगे इन फ्यूचर, जैसे जैसे एक एक कोर्स कंप्लीट होगा। कौन से सिटी से है भैया? मैं रायपुर से हूँ, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ रायपुर से, चलिए। हाँ, साल भर से आपका मैं बकायदा भक्तांबर हीलिंग लेते रह रहा हूँ, मॉर्निंग सेशन पे लेता हूँ, दोपहर की 12 बजे से सेशन रहती है अनुपा मैडम की, और शाम को 7 बजे ऋतु मैडम का फिर से रहता है एक सेशन। तो ये तीनों मिला के मेरे घर परिवार में काफी लोग हेल्प हो रही है इनसे, और नारायणपुर से भी लगभग 7-8 लोग अब आईवीएस की हीलिंग का ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, आगे आगे मैसेज और फॉरवर्ड कर दीजिए सभी ग्रुप। बिल्कुल, मेरा प्रयास है मैडम, मेरा पूरा प्रयास है कि आपको आगे बढ़ाते हैं। तो जो लोग ठीक होंगे उसके पुण्य का छठा भाग आपके अकाउंट में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शीतल जी हमारे साथ में है, शीतल जी बताइए क्या। जय जिनेन्द्र अर्चना दीदी। जय जिनेन्द्र शीतल, बाद में कहाँ गायब हो गई थी शीतल जी? एक्चुअली मेरे सास का हुआ ना एक्सपायर, तो उस वजह से थोड़ा सा कुछ ना कुछ रहता ही था। आज तो बहुत चमक रही है गुलाबी गुलाबी साड़ी। थैंक यू दीदी। दीदी मुझे ये पूछना था कि इसकी सर्टिफिकेट हमको कब मिलने वाले? कोर्स तो होने दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, कोर्स करिए इसकी साधना। मतलब कैसे मिलेंगे ये, बाय पोस्ट? सब ऑनलाइन आपको इस पे डाल देंगे, आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, सारी प्रोसीजर आपको बता दी जाएगी। हम सेशन के दौरान आपको सारी प्रोसीजर से अवगत करा देंगे कि किस तरह से आपको अपना सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को मिलेगा, मैं बार बार रिपीट कर दे रही हूँ, कि जिन्होंने फॉर्म फिल करा है उन्हें ही सर्टिफिकेट मिलेगा।
है ना। अब ऐसे दीदी ने फॉर्म डाला था ना लिंक वगैरह सब, तो वो मतलब सिर्फ मैंने पैसे ट्रांसफर किए, फॉर्म मुझे दिखा नहीं इस ग्रुप पर। मैं फिर से आप आईबीएस के जिस भी ये रेकी ग्रुप में है फॉर्म फिर से भेज दिया जाएगा। हाँ तो फॉर्म हम उसमें दोबारा सेंड कर देंगे, आप उसे ओपन कर सारी प्रोसीजर दी है उसे फिल कर देंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। ऐसे लोगों के लिए हमने फाइनल ग्रुप बनाया है। ये तो वैसे भी ये मंच खुला है, कोई भी सीख रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट की जिसकी भी इच्छा है तो उनको हमने छोटा सा एक प्रोसीजर रखा है ताकि ये डिसिप्लिन बना रहे। हाँ सर्टिफिकेट के लिए पूछना था मुझे, मैं बोली फीस तो मैंने ट्रांसफर की मगर उसका फॉर्म मैंने फिलअप नहीं किया था क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई ग्रुप में। मैं मुंबई से हूँ दीदी और ये मैं जुड़ी हुई थी बहुत पहले भी पर बीच में थोड़ी बिजी हो गई थी। मेरे पापा का नाम विद्याराम जैन है, शायद आप जानते होंगे, तो उन्होंने मुझे रेकी के लिए बताया था। तो मैं चाह रहती हूँ, मेरे मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स ने ये रेकी सीखा हुआ है तो बट यहाँ पे और उनके रेकी सीखने में थोड़ा डिफरेंस है तो वो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो मैं वो पूछ रही थी कि यहाँ पे जो टीचर होते हैं रेकी टीचर वो एक लेवल दो दिन में सिखाते हैं सैटरडे एंड संडे, उसके बाद वो 21 दिन मंडला कराते हैं। मंडला क्या होता है? मंडला मींस आपको प्रैक्टिस करना है फर्स्ट और सेकंड लेवल के बाद 21 डेज प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, उसके बाद ही आगे का थर्ड लेवल पढ़ाया जाता है, ये रेकी का नियम है। लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस हम सुबह कराना स्टार्ट कर दिए है ना, अब वो सुबह प्रैक्टिस भी चल रही है और तीसरा लेवल भी आपका शुरू हो जाएगा। अभी तो सेकंड ही लेवल चल रहा है। मेरा यही क्वेश्चन है, यहाँ पे हम सारे लेवल एक साथ करते जा रहे हैं तो जो 21 दिन का मंडला एक लेवल पे होता है अभी तो फर्स्ट और ये सेकंड के ही है ना, ये तो सेकंड ही सेकंड के ही सब है सिंबल। अभी जैसे नेक्स्ट मतलब आगे के दूसरे या तीसरे दिन सर वो थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल सुबह वो हमने शुरू सुबह इसलिए प्रैक्टिस शुरू करा दी ना, सुबह प्रैक्टिस भी चल रही है और ये भी चलेंगी, आपको ये सीख के रख लेना है। रीना जी दीदी ने जैसा बताया कि अभी ना भैया ने जो भी सिखाया है, देखिए हम पढ़ाई आगे तक की कर लेते हैं बट रिवीजन तो हमको शुरू से करते ही रहना। जैसे हमारे सुबह के सेशन में आईबीएस में रेगुलर प्रैक्टिस चल रही है 21 डेज की, वो साधना जो भैया ने बताई है कि 24 पॉइंट्स यानी 24 तिथियां होती है हमारे बॉडी की, तो सेल्फ हीलिंग आपको करनी है तो हर एक पॉइंट पे आपको 3 मिनट हाथ रखना है यानी 72 मिनट्स यानी 1.5 घंटे आपके जाएंगे उसमें। तो जब आप पर डे इतनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके बॉडी पार्ट्स आपका खुद का ऑरा इतना ऊर्जावान हो जाएगा कि आप किसी और को हीलिंग दे सकेंगे। तो भैया ने ये नहीं बोला है कि आज सीखो और आज ही करने लगो, पहले कहते हैं खुद को ऊर्जावान बनाइए, खुद को क्लीन करिए, खुद के अपने जितने भी चक्रास हैं उनको प्योर करिए फिर आप करिए। तो साधना आप करते जाइए, पढ़ाई हम करके रख लेते हैं, थ्योरी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। और क्योंकि देखिए अगर आप 21 डेज का ब्रेक करेंगे तो आगे की जो बीच की क्लासेस नया कोर्स है वो हम नहीं करा पाएंगे, जस्ट ये एक प्रोसीजर में हमने थोड़ा सा चेंजेस करा है कि इस तरह से अपन कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। मेरा क्वेश्चन ये भी था कि जैसे ये 21 डेज का अगर इनका मंडला होता है तो जैसे हमने ये चौकूरे या सहजी सीखा है तो वो जैसे चौकूरे का भी 21 डेज का हमें प्रैक्टिस करनी होती है क्या? ये ओनली कितने सेल्फ के लिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे चौकूरे की? चौकूरे की प्रैक्टिस नहीं करना है आपको, 21 डेज में आपके एक एक ऑर्गन्स को क्लीन करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, आपको एनर्जी एनर्जाइज होना है उसका प्रैक्टिस करना है। और सिंबल तो आप यूं ही बना के प्रैक्टिस करके उसको लर्न कर लीजिए, सिंबल की प्रैक्टिस नहीं करना है। तो एक मिनट बोलना चाहूंगी पीछे में, मैं एक मिनट बोलना चाहूंगा। अच्छा भैया आ गए। हाँ जी भैया। हाँ जी, आप जितने भी सवाल कर रहे हैं ना मुझे लगता है कि ये सारे सवाल हमारे लास्ट में होने चाहिए। हाँ पीछे कारण क्या है कि 21 डेज हीलिंग क्यों करें, साइकिक सर्जरी कैसे होगी, सर्टिफिकेट के लिए तो जब अर्चना दीदी बैठी हैं मैं बैठा हूँ आपको सोचना ही नहीं, सर्टिफिकेट तो दीवार पर टांगने के लिए होता है, उससे बड़ी चीज होती है कि हम इनर को सर्टिफिकेट दे दें कि आई एम द ग्रेटेस्ट हीलर ऑफ दिस वर्ल्ड। जब हमको अपने इनर को दे दिया तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है वो हमारे लिए यूनिवर्स में। जितने भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना इनके अंदर क्या है लास्ट में पूछेगा, और एक रूल लिस्ट बनाइएगा कि ये हमारे नियम है रेकी के, हम इस तरीके से काम करेंगे।
अभी क्या है कि क्लास में होमवर्क कुछ दिया और क्लास चली गई कहीं और। जी भैया जी बस। तो क्या है ये, तो अभी टीचर के हाथ में ना डंडा नहीं, अर्चना दीदी के हाथ में, तभी बच्चे शोर मचा रहे हैं। डंडा होता ना तो अभी सभी शांति से होते हैं। तो मेरा मानना है कि आज सिर्फ आप होम शो जैसा नैन बनाने पे फोकस करें, अपना पूरा का पूरा संपूर्ण फोकस, और चौकोरे से की सिंबल बनाने पे कल अटूनमेंट की तैयारी करें। परसों हमारे पास रेवन सिंबल आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास डाइकोमो आएगा, उसके अलावा हमारे पास साइकिक सर्जरी आएगी, बल्क हीलिंग कैसे करनी है, अगले 3 दिन ये टॉपिक चलेगा। उसके बाद में जब इतना सारा टॉपिक हमारे पास हो जाएगा तब हम बैठेंगे सवाल और जवाब के ऊपर, और बिना सवाल जवाब के तो संसद में बिल भी पास नहीं होता, हम रेखी का सर्टिफिकेट कैसे देंगे आपको। तो हम आपको पहले सारे सवाल जवाब करेंगे, आपका कन्वेंस 100% आपका जो सिस्टम कन्वेंस हो जाएगा, उसके बाद हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सवाल के लिए आप एक नियम बना लीजिए, पेपर पेन आप सबके पास है, आप लिखते रहिए सवाल अपने, जिस दिन आपकी बारी आए उस दिन आप अपने सवाल पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। मेरे हिसाब से तो ऐसे होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि हम सब थोड़ा सा मैसेज सिचुएशन में जा रहे हैं हैंड्रेस करके, और सभी एक दूसरे को मतलब क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर देंगे सवाल के साथ। सही कहा भैया, मैंने पहले भी ये चीज बोली थी कि क्वेश्चन आंसर राउंड हम लास्ट में रखेंगे। एक्चुअली उसके रीजन ये है कि आपके क्वेश्चन जो है वो बहुतों के क्वेश्चन हो सकते हैं, और बहुत सारे लोग अभी यहाँ से जा चुके हैं, तो उनके दिमाग के क्वेश्चन उनके पास वो आगे भी रह जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे क्वेश्चन करें जब सबको एक ही क्वेश्चन के जवाब बहुत लोगों को मिल जाए। तो क्वेश्चन आंसर राउंड हम एक नहीं 2 दिन रख लेंगे, पर आप सारे क्वेश्चन पूरे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हर एक सवाल का जवाब देने के लिए आकाश भैया हमारे साथ में है, लास्ट में 500 लोग हैं और हर आदमी के पास 10 क्वेश्चन भी है ना, और हमें 5 दिन भी क्लास चलानी पड़ेगी। बिल्कुल, तो ये हमारा कमिटमेंट है, हम चलाएंगे आखिरी हाथ जब तक उठेगा, आखिरी क्वेश्चन तक हम आंसर करेंगे, उसके बाद ही हम रेखी का सेशन खत्म करके नया कोर्स लॉन्च करेंगे। तो सभी से विनती है पेशेंस बनाए रखें और फोकस करें होम शो जोशो नैन पे, क्योंकि कल टेस्ट है आप लोगों को सिंबल का, और जो फेल हुआ वो गया, उसको क्या करना है, सिंपल सी पनिशमेंट है। भैया अर्चना दीदी से हम लोगों ने वैसे भी जो एक डाउट था हम लोगों ने क्लियर कर लिया, वो जो अभी आपने सिंबल हम लोगों को बताया उसमें लास्ट में एक चंद्रमा टाइप का बनता है ना, उसके ऊपर 2 छोटे-छोटे से चंद्रमा बनते हैं, बट एक ही जगह पे दूसरी बार जब हम लोगों ने दूसरा पिक्चर देखा अभी आप ही का, तो उसमें वो चंद्रमा साइड में बना है, तो आई थिंक कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, सेम है। वो डीएनए एनर्जी को बैलेंस करने के लिए होते हैं चंद्रमा, कोई मैस्कुलर एनर्जी के लिए अलग जगह पे बनता है और फेमिनाइन एनर्जी के लिए अलग जगह पे बनता है, बस इतना फर्क है। वो कल मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा जब हम मतलब अटेनमेंट करेंगे, तो उससे पहले मैं बताऊंगा कि फीमेल को चंद्रमा किस तरफ इमेजिन करना है और मेल को चंद्रमा किस तरफ इमेजिन करना है। बहुत अच्छी चीज आपने क्लियर की, ठीक है जी, बाकी कल मिलते हैं फिर, इतना ही मेरी तरफ से। तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें, ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और अध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सेशन रहा भैया आपका, बहुत अच्छा आशीर्वाद हम सबको मिला। आई होप सबके सवालों के जवाब मिल रहे हैं, और जो जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं उनको बार बार करके आप खुद को भी कंफ्यूज मत करिए, सारे क्वेश्चंस नोट करिए और सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको भैया से मिल जाएंगे। तो इसी तरह के सेशन में सब लोग रोज जुड़िए ताकि मन में कोई डाउट कोई क्वेश्चन रह ही ना जाए, और शुरू से ज्वाइन होइएगा, कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा जैसा भैया ने बताया है। तो बिल्कुल सुबह से जो हमारा 7 बजे का जो .7 o'clock पे क्लास स्टार्ट हुई आप लोग वहां पे आ जाइएगा। तो दीदी मेरी ख्याल से सेशन खत्म करें, ऐसे हैंडप्रेस तो चलते रहेंगे है ना, और भैया रहेंगे आप अभी हमारे साथ, ये वंशिका जी हैं, हमने चूंकि इनको अनम्यूट किया था, तो आप प्लीज बोल लीजिए जो बोलना है आपके मन की बातें। अर्चना दीदी भाई, मैं जो सेल्फ हीलिंग के लिए जो हैंड रब करते है ना जैसे, तो उसके स्पॉन्डलाइज प्रॉब्लम है, तो मेरे से ज्यादा एनर्जी है ना उसमें लगाई नहीं जाती है, और एक दो बार पॉइंट में करती हूँ उसके बाद में मेरा हाथ दुखना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए कैसे क्या है? भैया ने जैसा आपने सुना होगा, भैया ने उस दिन ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर की थी कि देखिए शुरू में आप लोगों के हाथ दुखने लगेंगे, एक यंग व्यक्ति के भी दुखने लगेंगे जो आपकी आदत में नहीं होता, बुजुर्ग लोगों को प्रॉब्लम आएगा क्योंकि उनको भी ये प्रॉब्लम आएगा। तो भैया ने बोला था 6-6 के ऐसे ना आप पैकेज बना लीजिए, शुरू के 6 आप पहले कर लीजिए, घंटे 2 घंटे के बाद में 6 कर लीजिए, फिर 6 कर लीजिए, ऐसे दिन भर में 24 को कंप्लीट करना है आपको,
तो हम 6 या 12 जो भी कन्वीनियंट आपका पैकेज है वैसे पैकेज बना के आप इसको कर सकते हैं, और दिन भर में एक बार मिनिमम आपको 24 पॉइंट कवर करने, जस्ट ये हमारा ध्येय होना चाहिए। तो ये भैया ने बताया था, तो आई होप ये सब सभी के दिमाग में होंगी ये बातें, उसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दीदी सेशन को एंड करें। हाँ सपना जी एंड करते, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जाएंगे रोज लेंगे थोड़े थोड़े देते हैं कुछ, कोई हाँ, बात नहीं। ठीक है दीदी, जय जिनेंद्र।